आज की वीडियो सिर्फ क्वालिटी फैंस के लिए बात करें नेटफ्लिक्स की, तो भाई इसमें जरा सा भी डाउट नहीं कर सकते, एक से बढ़कर एक कंटेंट देखने को मिलेंगी। क्या वो सब आपके लिए है या फिर नहीं, हम बताएंगे। तो आज की वीडियो टॉप 10 नेटफ्लिक्स की बेहतरीन सीरीज, और यकीन मानिए जो कि सिर्फ क्वालिटी ही होंगी, जिसमें कुछ बोनस सीरीज भी होंगी जो हमेशा की तरह टॉप क्लास की होंगी। तो ऐसे ही सिर्फ नेटफ्लिक्स की क्वालिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिए, सिर्फ क्वालिटी ही आपको मिलेंगी। नंबर 7 की सीरीज भाई कुछ अजीब सा, कुछ खतरनाक सा, कुछ भयानक सा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर देखिए। हम बात कर रहे हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ कॉफिन हैंगन कॉबॉय। स्टोरी एक ऐसी म्यू की कैरेक्टर पे बेस्ड है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी बिजनेस में फंस जाती है, वहाँ से निकलने की जर्नी। सीरीज जिस तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, स्टार्टिंग में आपको फील कराएगी ये लड़की म्यू कुछ बड़ा और कुछ भयानक करने वाली है, आपके अंदर हाई एक्सपेक्टेशन बिल्ड करती है और यहीं पे सीरीज थोड़ी हमें डिसअपॉइंट करती है। स्टार्टिंग से जिस तरह से हमारे सामने बिल्डअप करती है, खतरनाक टाइप भाई। बस इसकी थोड़ी स्लो पेस्ट को नजरअंदाज करिए तो आपके लिए ये सीरीज आपको थ्रिल एक्सपीरियंस करा सकती है। नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज, अब हमें इस लेवल की वेब सीरीज चाहिए जो हर एक मिनट दिमाग को सुनकर घुमा कर रख दे। हम बात कर रहे हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर के साथ ह्यूमन ऑफ द डेड। स्टार्टिंग के 5 या 7 मिनट में ही आपके अंदर से निकलेगा भाई ये क्या हो गया, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो एकदम से एक झटके में दर्दनाक तरीके से उसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, आपकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी ना भाई। ये सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी आपके हस्बैंड का एक दिन एकदम से घर के सामने ही एक्सीडेंट हो जाए और जब आपको पता चले कि ये सब प्री प्लान था। आप सीरीज में देखिए और नो डाउट भाई सीरीज की स्क्रीन प्ले एकदम टाइट है, हर एक एपिसोड की एंडिंग आपको मजबूर करेगी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने के लिए। जरूर देखिए नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की नेटफ्लिक्स सीरीज, यार आज तक हमने ऐसी सीजीआई ग्राफिक्स पे बेस्ड फैंटेसी एनिमेटेड सीरीज नहीं देखी। गजब की भाई वो इनकी फैंटेसी दुनिया इतनी कमाल की है भाई कि एक टाइम पे हमें खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि इनकी दुनिया में हम कब खोते चले गए। हर एक एनिमेटेड फैंस के लिए ये सीरीज भाई कोई ट्रीट से कम नहीं। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से फैंटेसी एडवेंचर के साथ द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेसिस। इस सीरीज को भाई आप सेलिब्रेट करिए अपने फैमिली के साथ, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 5 की सीरीज, अगर आप नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज ब्रिजटन देख रखे हैं तो इस सीरीज का प्रीक्वल आए तो एक बार देखेंगे जरूर, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया क्वीन चार्लेट ऑफ ब्रिजटन। स्टोरी भाई फोकस क्वीन चार्लेट पे है, जिसमें कहानी हमें 2 टाइमलाइन में दिखाई जाती है, एक 17 साल की जहां उन्हें जबरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है और एक ये सब की बात की दिखलाई जाती है। क्या क्वीन चार्लेट और किंग जॉर्ज के बीच वो प्यार वाला इमोशन डेवलप हो पाता है या नहीं, ये देखने में भाई आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सीरीज में भर भर के न्यूड और एडल्ट सीन है तो अकेले ही देखिएगा, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज भाई, 12 बच्चे और एक कोच पानी से भरे गुफा में फंस चुके हैं, जिसे रेस्क्यू कर पानी से भरे गुफा से सेफ बाहर निकालना है। और सबसे बड़ी बात भाई, ये सब एक एक सीन 2018 में थाईलैंड में रियल में हो चुका है। हम बात करें नेटफ्लिक्स की लिमिटेड सीरीज एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर के साथ थाई केव रेस्क्यू। सब कोई हार मान लिया था, इन बच्चों को बचाना नामुमकिन है, पर इस रेस्क्यू टीम के 2 बंदे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कि इस तरह इन 13 लोगों को बचाते हैं, ये देखने लायक है। ऐसी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड सीरीज ना भाई एक अलग ही हीरो वाली वो सेटिस्फेक्शन देती है। एक टाइम पे इस सीरीज से आप इस लेवल पे कनेक्ट हो जाते हो कि आप इन बच्चों के लिए सर्वाइवल स्किल ढूंढने लगते हो। और नो डाउट भाई इन बच्चों को जिस तरह से बचाते हैं काबिले तारीफ है, इन्हें कहते हैं रियल हीरो। जरूर देखिए नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज हर किसी के लिए नहीं। अगर भाई आपको पॉलिटिकल ड्रामा में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस ड्रामा सीरीज को आप डेफिनेटली देखना स्टार्ट करो। एक डिप्लोमेट का काम होता है भाई पॉलिटिशियन को बड़े बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकालना, ये सीरीज एकदम टू द पॉइंट आपके सामने रखती है, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर के साथ डिप्लोमेट। नंबर 3 की सीरीज भाई, 8 महीने पहले क्या हुआ था आपको कुछ याद नहीं, आप डिटेक्टिव होने के बावजूद भी अंदर से खोखला होकर टूटकर बेघर की तरह आप भटक रहे हैं, आखिर क्यों, जिसके पीछे छिपी है कुछ बड़ी बात, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ स्लीपिंग डॉग।
8 महीने पहले जॉब छोड़कर आप बेघरों की तरह भटक रहे हो। अब जेल में कैदी सुसाइड कर लिया ये बोलकर कि मैं निर्दोष था। दिमाग घुमा देने वाली बात तो यह है कि इन्हें ये सब कुछ याद नहीं। आखिर 8 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपको अंदर से खाए जा रहा है। सीरीज की सबसे खास बात लगी भाई, जनरली मर्डर डिटेक्टिव टाइप सीरीज थोड़ा स्लो होता है, पर ये सीरीज ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 एपिसोड कब निकल जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सीरीज भाई हमारी कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स को आपको फील कराती है। जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज ड्रग्स जैसी दलदल से भरी इस क्राइम की दुनिया को अगर आप हाईएस्ट लेवल पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्राइम ड्रामा सीरीज हो सकती है। 2011 से टोटल 4 सीजन का कलेक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ टॉप बॉय। स्टोरी भाई लंदन में कुछ ऐसे ही टीनेज ड्रग्स डीलर की है, कैसे इस ड्रग्स की दलदल से भरी दुनिया में घुसते चले जाते हैं। पैसा तो बहुत है पर प्रॉब्लम भी बहुत है। अगर भाई आपको ऐसी क्राइम ड्रामा ड्रग्स डीलिंग मर्डर माफिया जैसी सीरीज देखना पसंद है तो बिंदास इस ड्रामा सीरीज को आप देखना स्टार्ट करो। फर्स्ट एपिसोड से ही आप चिपक जाओगे। सीरीज की सबसे खास बात लगी भाई इसके स्टोरी टेलिंग, एक एक स्टेप आपको ऊपर ले जाती है, हर एक कैरेक्टर से आपको डीपली कनेक्ट करा है। और सबसे बड़ी बात भाई इसके हिंदी डबिंग एकदम बिंदास और बेधड़क रखा है। फ्री में सलाह ले रहे, उस सलाह को अपनी गांड में डाल। इस टाइप की सीरीज में भाई वो टपोरी वाला लैंग्वेज ना हो तो सीरीज देखने में मजा नहीं आता। गाली को भी सेम टू सेम गाली में ही डब किया है जो कि काफी कूल है। जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज, यार ऐसी सीरीज अब तक कहां छिपी होती है। स्क्रीन प्ले इतना टाइट कि एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें ना हटाने दे। फीमेल स्पाई टाइप एजेंट होनी चाहिए तो भाई इनके जैसा होना चाहिए। गजब का एटीट्यूड है भाई इनका। 2020 की नेटफ्लिक्स की तरफ से अंडररेटेड हिडन जेम वेब सीरीज एक्शन थ्रिलर के साथ काइलो। स्टोरी बताकर भाई आपको बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए स्पाई एक्शन रिवेंज देखने को मिलेंगी। और यकीन मानिए भाई ये काइलो की कैरेक्टर भाई आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देगी। अब हमें इस लेवल की कंटेंट में क्वालिटी चाहिए, ऐसी मास्टरपीस हिडन जेम वेब सीरीज को मिस नहीं करते। नेटफ्लिक्स की क्लास लेवल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 1 से पहले भाई सिर्फ ऐसी क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब। नंबर 1 की सीरीज वैम्पायर वेयरवुल्फ चुड़ैलों पे बेस सीरीज देखना किसे पसंद नहीं। इनकी सीरीज देखते टाइम एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट डेवलप होती है। आपको वैम्पायर टाइप सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए। 2013 से टोटल 5 सीजन ड्रामा हॉरर फैंटेसी के साथ द ओरिजिनल, 3 ऐसे ओरिजिनल वैम्पायर की स्टोरी। हम सभी जानते हैं वैम्पायर वेयरवुल्फ और विचेस हमेशा से आपस में एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, कैसे इनके अपने ही इनके खिलाफ हो जाते हैं। ट्विस्ट तो ये है कि एक वेयरवुल्फ प्रेग्नेंट है, एक वैम्पायर के बच्चे की माँ बनने वाली है, पर ये कैसे हो सकता है एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ का बच्चा, जिसे बचाना है कैसे और किन से। आगे की स्टोरी आप सीरीज में देखो। स्टार्टिंग में सीरीज आपके ऊपर ऊपर से जाएगी, आपको लगेगा कि ये क्या देख रहे हैं, पर जैसे जैसे आप सीरीज देखते जाओगे आप सीरीज के अंदर घुसते चले जाओगे। बस इसकी थोड़ी हिंदी डबिंग अच्छी होती तो सीरीज और भी बेहतर होता। मेरा मानिए तो सीरीज को आप इंग्लिश में ही एक्सपीरियंस करिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जरूर देखिए। तो भाई सिर्फ ऐसी ही क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए इस लिस्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टॉप रिव्यू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ। Another day to